तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार है। अभी हम क्विकली थोड़ा सा देखेंगे फंक्शंस को, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, क्यों होते हैं, हम इसको पहले देख चुके हैं, लेकिन आई जस्ट वांट कि हम थोड़ा छोटा सा वीडियो लेक्चर भी बना लें। अच्छा, यहाँ पर हमने एक मेन फंक्शन बनाया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट एंड एल आई एम स्टार्ट मेन। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट डाल रहा हूँ आई एम, अच्छा आई एम क्यों निकाल देते हैं एंड एंड ऑफ मेन लिख देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कोई फंक्शन अगर मैं इसको चलाऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि हम जब इसको रन करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर एंड प्रिंट होगा। तो जब भी हमारा प्रोग्राम भी, अब इसको हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये जो स्टार्ट ऑफ मेन है ये पहले आएगा, दरमियान में अगर हमने कुछ किया हुआ तो वो आ जाता है, उसके बाद एंड ऑफ मेन आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक और फंक्शन बना लेता हूँ एंड लेट्स सपोज यहाँ मैंने बना दिया एंड आई से I am function one. तो क्या होगा, आई कैन राइट फंक्शन वन एंड हियर फंक्शन टू, फंक्शन वन का स्टार्ट, फंक्शन वन का एंड, राइट। इसी तरह मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, ये इसकी बॉडी से बाहर पेस्ट कर रहा होता है, ठीक है, और इसको मैंने फंक्शन टू कर दिया। इसी तरह इसकी बॉडी में मैंने स्टार्ट एंड एंड डाल दिए, जस्ट क्यों डाले हैं इसको भी हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन वन कॉल करूँ तो क्या आउटपुट आएगी, आप गेस कर सकते हैं, यस। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर स्टार्ट आया, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन आ गया, फिर यहाँ से हमने फंक्शन वन कॉल कर लिया, हम इधर जंप कर गए, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन हुआ, फिर जब उसकी बॉडी एंड हो गई, एंड ऑफ फंक्शन वन कॉल हो गया, उसके बाद हम वापस इधर आए और अब इसके बाद एंड ऑफ मेन फंक्शन हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ फंक्शन टू बनाया हुआ था लेकिन क्योंकि मैंने उसे कॉल नहीं किया तो इसलिए उसको एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, तो उसके हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रही, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। हम यूँ करते हैं, यहाँ पर थोड़ा से यूँ डालना शुरू कर देते हैं एंड ताकि हमें ज़रा एंड जो है वो नज़र आ जाए, करे कि ये एंड है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के फंक्शन टू कॉल कर लूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया है, फंक्शन वन कॉल हुआ, फंक्शन वन जब कॉल होगा इसकी सारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जब पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर हम वापस इधर आएंगे, फिर यहाँ से हमारी कर्सर यहाँ मूव कर जाएगी और फिर इसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी फिर हम यहाँ पर आएंगे। सो ये स्टार्ट ऑफ मेन होगा, फिर स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन, वो एंड होगा, उसके बाद वापस आए, फिर स्टार्ट ऑफ फंक्शन टू, फिर उसका एंड हुआ, फिर यहाँ पर एंड ऑफ मेन फंक्शन आया। तो देख लेते हैं जल्दी से क्विकली, तो ये देखें स्टार्ट ऑफ मेन हुआ हमारे पास, फिर स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन हुआ, स्टार्ट फंक्शन वन एंड हो गया क्योंकि इसके अंदर हमने किसी और फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ था, ये जब कंप्लीट हुआ फिर इधर आए, फिर फंक्शन टू कॉल हुआ, फिर ये पूरा एग्जीक्यूट हुआ, फिर इधर आया और फिर ये एंड ऑफ मेन फंक्शन आ गया, ठीक है जी। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये करते हैं कि इसको, इम्पॉर्टेंट बात है, इसको उठाकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये यूँ लिख रहा हूँ तो इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि जब मैंने इसको ऐसे कॉल किया तो क्या, अच्छा ये तो एरर आ गया, बिकॉज अच्छा ये अगर आप फंक्शन ऊपर कॉल कर रहे हैं तो ये पहले डिक्लेयर होना चाहिए, यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी। तो F5, तो अब अगर हम इसके अंदर गौर से देखें तो अभी क्या हुआ, यहाँ से हमने मेन फंक्शन पे आए, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसने फंक्शन वन कॉल कर लिया, फंक्शन वन में हम आए, फंक्शन वन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद हमने फंक्शन टू कॉल कर लिया, अभी फंक्शन वन एंड नहीं हुआ,
बल्कि हम इधर चले गए और स्टार्ट ऑफ फंक्शन टू हुआ, फिर फंक्शन टू एंड हो गया, इसने फर्दर किसी को नहीं कॉल किया, ये एंड हो गया, जब ये एंड हो गया तो फिर वापस हम इधर आए, फिर ये फंक्शन वन एंड हुआ, जब फंक्शन वन एंड हुआ तो फंक्शन वन को किसने कॉल किया था, मेन फंक्शन ने, वापस इधर आ गए और यहाँ पे एंड ऑफ मेन आ गया, ठीक है। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। सो जिस ऑर्डर में हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं उसी ऑर्डर के अंदर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आई होप सो यू गॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये हमने जब काम कर लिया तो अब हम ये क्या करेंगे, अब हम जो क्विकली और क्या करते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। ओके, यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन टू कॉल कर लूँ, तो जब मैं फंक्शन टू कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन टू ने किसी सूरत में भी फंक्शन वन को नहीं कॉल किया हुआ, तो फंक्शन टू आपने कॉल किए इधर आए और फंक्शन टू स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, वापस आए, किसने, ये फंक्शन टू को किसने कॉल किया था, मेन ने, तो इधर आ गया और इधर मेन एंड हो गया, ठीक है। स्टार्ट ऑफ मेन, फंक्शन टू स्टार्ट हुआ, फंक्शन टू एंड हो गया, जब वो एंड हो गया तो वापस कहाँ पर आ गए, जहाँ पर भी आपने फंक्शन कॉल किया था वहाँ पर वापस आ गए, ठीक है। ओके, सो ये था फंक्शन कॉलिंग, उसका फ्लो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप सो आपको फ्लो क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्यों पास करते हैं, किस लिए करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमें देख लेनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने फंक्शन वन कॉल किया। अच्छा, मैं फंक्शन वन को कॉल करता हूँ तो फंक्शन वन आके फंक्शन टू को भी कॉल कर लेता है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, फंक्शन वन को मैं यहाँ पे दो दफ़ा कॉल कर लेता हूँ, तीन दफ़ा कॉल कर लेता हूँ। तो अभी क्या होगा कि स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन तो हो गया है, उसके बाद फंक्शन वन कॉल हुआ, उसकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर ये एंड हो गया, फिर स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन हुआ, फिर उसकी बॉडी एंड हुई, फिर स्टार्ट ऑफ फंक्शन वन हुआ, फिर वो एंड हुआ, मतलब तीन दफ़ा आपने कॉल किया तो तीन दफ़ा हो गया। तो आप अगर मल्टीपल टाइम कॉल करना चाहें तो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि ये तो मैंने दो दफ़ा कॉल कर लिया है, इसी तरह यहाँ पर मैंने फंक्शन टू को भी कॉल किया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है कि हम और से देखिएगा प्लीज़। मेन फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ, डन हो गया, फंक्शन वन कॉल हुआ, ज़बरदस्त, फंक्शन वन की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फंक्शन वन की बॉडी में आपने फंक्शन टू कॉल कर लिया, फंक्शन टू कॉल हो गया, उसकी बॉडी एंड हुई, डन। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास, जब हम यहाँ पर आए तो फंक्शन टू की बॉडी जैसे ही ख़त्म हुई वापस इधर आए, फंक्शन वन की बॉडी कंप्लीट हुई, ये डन हो गया। फंक्शन वन को किसने कॉल किया था, इसने कॉल किया था, यहाँ पर वापस आ गए, यहाँ पर दोबारा फंक्शन वन कॉल हो गया, ये दोबारा फंक्शन वन की बॉडी स्टार्ट हुई, फिर ये फंक्शन, इसने फंक्शन टू कॉल कर लिया, हम इधर चले गए, इसने पूरी बॉडी इसकी एग्जीक्यूट की, फंक्शन टू को किसने कॉल किया था, इसने, इधर वापस आ गए, फिर इसने एंड ऑफ मेन फंक्शन किया, ये एंड ऑफ, सॉरी, एंड ऑफ फंक्शन वन किया, ये एंड ऑफ फंक्शन वन हो गया, इसको किसने कॉल किया था, ओवरऑल फंक्शन वन को, मेन फंक्शन ने, यहाँ वापस आ गए और यहाँ पर एंड ऑफ फंक्शन हो गया। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट कि हम फंक्शंस को, एक ही फंक्शन को बार बार भी कॉल करना चाहें तो बार बार भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि उसको कॉल करते हुए पासिंग पैरामीटर लिस्ट क्या होती है, ठीक है, पास कैसे करते हैं, क्या कुछ होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।